पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, ठीक है जी, सम्मान, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। कुछ लोग को ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। और क्या है भाईचारा, मिलजुल के रहो और प्यार करो, बस चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है। फिर भारत का संविधान जो बना है, ब्रिटेन से, यूएसए से, यूएसएसआर से, सबसे हमने लिखा, बाबा साहब ने सबसे लिया, सबसे अच्छा ली। और क्या लिखा, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। ये लड़ाई रोटी की नहीं, रोटी कपड़ा मकान की नहीं, लड़ाई है सम्मान और पहचान की। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है, अरे हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जहाँ प्रेम की गंगा बहती है। ये भारत का प्रियम्बर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, इस तरह से हमको समता की बात करता है, ममता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, न्याय की बात करता है। जो किताब में, अहले किताब में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो कबीर के पिंजर में लिखा है, लेकिन लिखा कहाँ नहीं है, वो लिखा नहीं है मनुस्मृति में, वो लिखा नहीं है गीता में, वो जहां लिखा नहीं वो हमारी किताब है नहीं। मनुस्मृति और संविधान एक साथ चल नहीं सकते, एक तो ये रहेगा, एक तो ये रहेगा, और हम यही रहेगा, इसका प्रमाण है आपकी उपस्थिति। प्रभु जन लोग, आप लोग संविधान के लिए आए हैं, तो समता जो है, इक्वालिटी जो है, वो समता हर इंसान सेम नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की समता, ये समता, ये विश्वास है, ईमान है, फेथ। इनइक्वालिटी रियलिटी है, असमानता ये आज जब तक दुनिया रहेगी नहीं, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी तब तक समानता की लड़ाई चलते रहेगी, जब तक समानता की लड़ाई चलते रहेगी तब तक बुद्ध का नाम, तब तक बाबा साहब का नाम, तब तक कबीर का नाम, तब तक मामा साहब का नाम, तब तक ईसा मसीह का नाम चलता रहेगा, और उसके बंदे इसके लिए लड़ते रहेंगे। और यही संविधान की लड़ाई के लिए, संविधान के लिए हम जो आए, तो समता जो है, विश्वास, ईमान। और हमारे आजकल के लोग, हमारे प्रबुद्ध लोग ईमान की बात ही नहीं करते, वो बात करते हैं सिर्फ रीजन की, रीजन, तर्क, लेकिन रीजन के साथ में रिवेलेशन भी होता है, इसके साथ में प्रकटीकरण भी होता है, इसके साथ में रिकंसिलिएशन भी होता है। तो जोड़ तोड़ के नहीं, जोड़ के, तोड़ के नहीं, जोड़ के। बाबा साहब ने इस संविधान में जोड़ने का एक रास्ता दिया है, और इस रास्ते को हमारे मित्र शरद यादव जी कहते हैं कि आसमान से तो बहुत किताबें, लेकिन जिंदा आदमी की किताब भारत की संविधान है, या जिंदा आदमी की किताब भारत का संविधान है, और इसके लिए चलने वाले लोग कि हमारे लोग है। इसलिए बुद्ध ने इंसान को सेंटर पॉइंट रखा, मुसलमान भाई, यहूदी भाई, ईसाई भाई, इन्होंने ईश्वर को सेंटर पॉइंट रखा, और मनुष्य ने ब्राह्मण को सेंटर पॉइंट रखा। हमको वो भी चाहिए जो निर्माता है, और ये भी चाहिए जो भारत देश का संविधान निर्माता है। इस दोनों के संगति से ही इस देश की प्रगति होगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में
सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय बहुत बड़े अड़खड़न क्या बोलते इसको, बहुत हर्डल्स खड़े किए गए। इसके लिए हमको संविधान के साथ में दुआ और दवा दोनों का काम देना पड़ेगा। इसलिए हमारे दूसरे भाई ने लिखा है, हमारे नीरज भाई ने जो कायस थे, वो बोलते हैं ए भाई, ए भाई, ए भाई, जरा देख के चलो, अगले वाले को भी नहीं, पिछले वालों को भी, दाएं लेफ्ट वाले को नहीं, राइट वाले को भी, ऊपर भी नहीं, ऊपर वाले ईसाई मुसलमान, ऊपर ही नहीं नीचे वाले बुद्ध भी, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तो इसको देख के चलना है, मोदी के राज में, शाह के राज में देख के चलो, और राज हमारा आएगा, प्रबुद्ध भारत बनेगा। जय जो जय जो जय बनेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।